दोस्तों बिग बॉस की जब टीआरपी में गिरावट आती है तो मेकर्स खुद पब्लिसिटी स्टंट करते हैं और सीजन 18 में भी कुछ ऐसा ही हुआ जब तीन बोल्ड एक्ट्रेस वाइल्ड कार्ड के रूप में घर में आई और उन्हीं में से एक है अदिति मिस्त्री। क्या अदिति सोशल मीडिया की सिर्फ एक बोल्ड एक्ट्रेस है या वो है अश्लील फिल्मों की हीरोइन? वीडियो में हम अदिति की सारी सच्चाई जानने वाले हैं, इसीलिए एंड तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस कर ले, हम ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना वक्त गवाए बात करते हैं शुरू से। 24 वर्षीय अदिति का जन्म 27 जुलाई साल 2000 को अहमदाबाद गुजरात में हुआ। अदिति एक बिजनेसमैन पिता की बेटी हैं। वो अहमदाबाद में ही पली बड़ी और वहीं से उनकी स्कूली और कॉलेज की पढ़ाई पूरी हुई। जब से अदिति समझदार हुई तब से ही उन्होंने अपनी फिटनेस पर काम करना स्टार्ट कर दिया और कॉलेज टाइम से ही उन्होंने सोशल मीडिया पर बोल्ड वीडियोस एंड फोटोज डालना स्टार्ट कर दिया। शुरुआत में उनका कंटेंट ज़्यादा बोल्ड नहीं था, लेकिन जब उन्हें रिस्पांस नहीं मिला तो उन्होंने ज़्यादा बोल्ड कंटेंट डालना स्टार्ट कर दिया और फिर उन्हें धीरे धीरे प्रसिद्धि मिलने लगी। हालांकि उन्हें इस कंटेंट के लिए अच्छी खासी ट्रोलिंग और बैड कमेंट्स का भी सामना करना पड़ता रहा है, पर इस चीज़ की उन्होंने कभी परवाह नहीं की, इसीलिए इस तरह के कंटेंट से उन्हें तेजी से सक्सेस मिली। सोशल मीडिया पर अदिति खुद को इस तरह दिखाना ही पसंद करती हैं। उनका मानना है जिसको पसंद हो देखो, जिसको नहीं पसंद वो मत देखो। अब अदिति भारत के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले रियलिटी शो बिग बॉस का हिस्सा बनी हैं। जैसे साल 2011 में सनी लियोनी जो कि एक एडल्ट मूवी एक्ट्रेस थी उन्हें शामिल करके टीआरपी बढ़ाई गई थी, क्या वैसे ही अदिति भी इन फिल्मों में काम करके बिग बॉस तक पहुंची हैं? क्या है सच्चाई, चलिए जानते हैं। अदिति की इंस्टाग्राम आईडी देखी जाए तो ये बात कोई भी सही बताने लगेगा, लेकिन अभी तक तो वो उस इंडस्ट्री में नहीं पहुंची हैं। वो बोल्ड कंटेंट बनाती हैं लेकिन एडल्ट फिल्मों से उनका कोई नाता नहीं है। अदिति का अभी तक तो उस इंडस्ट्री में जाने का कोई इरादा भी नहीं है। वो अपनी बोल्डनेस से फिल्म जगत का हिस्सा बनना चाहती हैं और आइटम सॉन्ग या और भी ऐसे ही वो किसी काम के इंतजार में हैं और उन्हें कुछ प्रोजेक्ट्स में छोटे लेवल का ही सही पर काम मिल चुका है। अब जब अदिति बिग बॉस में पहुंच चुकी हैं तो यहां से उन्हें काफ़ी पहचान मिल जाएगी और उनका रास्ता आसान हो जाएगा। सिर्फ आइटम सॉन्ग ही नहीं, एडल्ट क्रिएटर के लिए वेब सीरीज के भी दरवाजे आसानी से खुल जाते हैं। खैर बिग बॉस में अदिति के आने से टीआरपी पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा और बिग बॉस में एंट्री वाले दिन के अलावा उन्होंने अपनी रियल बोल्ड पर्सनैलिटी दिखाई भी नहीं है। चलिए अदिति के बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग बातें जान लेते हैं। अदिति को जिम करना, फोटो शूट कराना तो पसंद है ही, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा ट्रैवल करना पसंद है। वो ज्यादातर ट्रैवल टूर पर ही रहती हैं। बोल्ड वीडियोस के साथ ही अदिति का कंटेंट फनी वीडियोस का भी है। दोस्तों कुछ भी बोलो यार, जब से ये मिली ना तब से बहुत खुश हूँ मैं यार। कितना भी सामान रखो आराम से आ जाता है। डिग्गी जो इतनी बड़ी है इसकी, है ना बेबी? हाँ बेबी। अदिति बहुत बड़ी डॉग लवर और पेट लवर भी हैं। उनके सोशल मीडिया से उनका स्ट्रीट डॉग लव भी साफ नजर आता है। बात करें अदिति की रिलेशनशिप स्टेटस की तो वो कोई भी ओपन रिलेशनशिप में नहीं है और वो खुद को सिंगल ही बताती हैं। तो दोस्तों ये थी बायोग्राफी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर फिटनेस मॉडल अदिति मिस्त्री की। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो एंड तक देखा है तो वीडियो पर अपना रिस्पॉन्स लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर दें। आपकी हर कमेंट हमारे लिए बहुत वैल्यू लगती है। वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक्स। हमारी हर अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में।